हेलो, यू आर वॉचिंग एनएल फर्नीचर्स। हाँ, ये डिजाइन तभी अच्छा लगता है जो बैक पर जैसे कंफर्ट रहेगा ना, वैसे सीट वैसे पर सीट पर। नेक्स्ट मॉडल है, इसे हम गोला बाजू बोलते हैं सर। मजेदार मजा। ये एक्चुअली सर, ये सारा हमारे हाई क्लास शोरूमों पे सप्लाई होता है, जहाँ के लिए बना गया। मैं शोरूम का नाम नहीं लूंगा। चेयर तो अलग है, मैं अभी एक सेट दिखाऊंगा आपको, ये उसके साथ की है। वन ये डिजाइन ये ना होता, सिर्फ पूरा फैब्रिक होता है, पॉलिश वाला और सीएनसी वर्क होता है। ब्लू वाला इसकी बैक थोड़ी ब्लू है, अच्छा लग रहा है वाला। पूरा प्योर सागवान है, प्लैंक है कोई। ये देखिए, बार बार दिखा रहा हूँ कि ये जोड़ इसके, ये प्लैंक है, ये कोई विनियर नहीं है। मार्केट में बहुत स्कैम करते हैं, ऊपर विनियर लगाते हैं, ये कहते हैं कि सागवान शीशे में, एक सागवान जिंदगी भर चलने वाली है। जी सर, आपके बच्चे टीन से सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, पर आपका ये फर्नीचर खराब नहीं होगा, नहीं होगा। इतने बोरे नहीं दिखेंगे ये स्प्रिंग वेल के या टर्बो के, या सर बोरे ही बोरे रखे हुए हैं। ये सर की सोफा यूनिट है पूरी। जी, ये काफ़ी बड़ी है। आइए सर जी, बात करते हैं स्टोर के ओनर मिस्टर प्रवेश से। हेलो सर, कैसे आप? हेलो सर, नमस्कार। पुनीत जी, क्या हाल है? नमस्कार सर, एकदम बढ़िया। आप बताइए कैसे? बढ़िया सर। अच्छा बढ़िया, आपने पहले पूछ लिया था मैंने आपसे, सॉरी। तो कुछ बताइए अपने और अपने स्टोर के बारे में। सर, हमें इस बिज़नेस में 16-17 साल हो गए हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये डिस्प्ले करे हुए हमें लगभग आउटलेट को 6-6.5 साल हो गए। ठीक है। और नीचे इन हाउस हमारे सोफे की फैक्ट्री है, ऊपर डबल बेड की फैक्ट्री है। अच्छा। हाँ सर, सब कुछ हम अपना जो इन हाउस बनाते हैं वही हम माल बेचते हैं, बाकी बाहर का कुछ नहीं लेते हैं। ठीक है। तो आज ना वीडियो कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे। आज ना पहले दिखाएंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कि आप क्या क्वालिटी लगाते हैं, और लोगों को बताएंगे कि ये एक फैक्ट्री आउटलेट है। ओके। ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट्री से आपको फर्नीचर मिल रहा है। उससे पहले ना अपने स्टोर के बारे में बता दीजिए कुछ। सर, ये होम कंसेप्ट नाम से हमारा आउटलेट है, दिल्ली मेरठ रोड पे ये लोकेट करता है और रिलायंस पेट्रोल पंप से 100 मीटर आगे दिल्ली मेरठ रोड, घुकना जगह का नाम पड़ता है, गाजियाबाद। ठीक है। तो ये अभी सर की ये ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पर पूरा डिस्प्ले है। नीचे सर की सोफा फैक्ट्री है, ऊपर सर की बेड की फैक्ट्री है। तो अभी हम ना डायरेक्ट फैक्ट्री में चलते हैं। ठीक है, पहले दिखाएंगे क्या क्वालिटी लगाते हैं। आइए सर, आइए सर, ये मैं आपको फ्रेम यूनिट दिखाता हूँ, जहाँ हमारे सोफे के फ्रेम्स बनते हैं। ठीक है, ये सर की सोफा यूनिट है पूरी। जी ठीक, काफी बड़ी है। आइए सर जी, ये हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं सोफे के। हाँ हाँ, प्लाई में, मरंडी वुड में। हाँ जी ठीक है। और ये सर हमारे जो फैक्ट्री के इनहाउस ही सारा काम होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप कभी भी अपना सोफा बनते हुए देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी। ये प्लाई यूज होती है हमारी। अच्छा, ये प्लाई यूज करते हैं आप सोफा में? अच्छा, ये जो इसके ये फर्मे जी साइडों में जो फर्मे लगते हैं ये, है ना, इस पे लगाए जाते हैं ये वाले। तो आप कभी भी यहाँ आते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले के नीचे ही बेसमेंट में ये फैक्ट्री है, वो काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। तो ये यहाँ सर के सारे फ्रेम बनते हैं। अभी चलते हैं जहाँ फोमिंग होती है ना, उनकी क्वालिटी दिखाते हैं। तो अभी मरंडी वुड का सारा स्ट्रक्चर बनता है, अब दिखाएंगे फोमिंग जी। ठीक है, ये हमारा यहाँ कपड़ा कट रहा है। सॉरी, क्या कपड़ा कट? जी जी जी, ये स्टिचिंग होती है और ये फोम लगती है। ये फोमिंग्स, ये कौन सी कंपनी की है? ये स्प्रिंगवेल 32 डेंसिटी में है। अच्छा, अगर आप कहेंगे तो 40 डेंसिटी में भी यूज हो जाएगा, कस्टमर की एज पर रिक्वायरमेंट डिमांड के ऊपर बन रहा है ये। ठीक है ठीक है। अभी फिलहाल जनरली आप क्या लगाते हैं? अभी जनरली हम 40 डेंसिटी लगाते हैं टर्बो। अच्छा, स्प्रिंग वेल की टर्बो हम सिटिंग में यूज करते हैं, और बैक में 32 डेंसिटी यूज करते हैं, और बाजुओं में। ठीक है, स्प्रिंग वेल का। ठीक, मतलब सिर्फ स्प्रिंग वेल ही यूज करते हैं जी, पूरा स्प्रिंग वेल ब्रांड है जी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अभी ये काम ही चल रहा है, अभी ये सोफा बड़ा प्यारा लग रहा है पीछे आपके, बहुत प्यारा डिजाइन है। ये सोफा ना सिर्फ बड़े बड़े आउटलेट्स पे देखने को मिलता है। एक्चुअली सर, ये सारा हमारे हाई क्लास शोरूमों पे सप्लाई होता है, जहाँ के लिए बना गया। मैं शोरूम का नाम नहीं लूंगा। अच्छा, लेकिन वो सारा ब्रांडेड शोरूम्स पे जाता है हमारा। अच्छा, तो आप मतलब सप्लाई भी देते हैं? जी जी, ये बात मेरे को पहले नहीं बताई, अब बता रहे हैं आप। जी सर जी, बताइए सोफे के बारे में थोड़ा। सर, ये वाईपाया मॉडल है हमारा, ये सारे ब्रांडेड शोरूम्स पे इसकी सप्लाई है हमारी। अच्छा, आप इसकी फिनिशिंग देखिए, स्टिचिंग देखिए। जी जी जी, ये सागवान के पैर लगे हुए हैं इसमें, टीक वुड के वजह से इसको ये वाई शेप का वाई पाया बोला जाता है। लेदराइट स्वेड फैब्रिक है ये। हाँ हाँ, इसकी 5 साल की फुल गारंटी है सर। अच्छा, 5 साल की वारंटी आप देते हैं हर फर्नीचर पर? जी जी जी, है ना। तो बता रहे हैं आप कि सिर्फ स्प्रिंग वेल लगाते हैं आप? स्प्रिंग वेल 40 डेंसिटी सिटिंग में यूज करते हैं, 32 डेंसिटी बैक में और बाजुओं में यूज होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर जो कोई लोकल फोम होती है वो भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, लोकल फोम यूज नहीं करते। अगर कोई इससे अपर ग्राउंड अपर ग्रेड में जाना चाहेगा तो हम फैदर फोम भी देते हैं, प्राइमोकूल भी देते हैं, ड्यूरोफ्लेक्स भी देते हैं, स्लीप वेल के। जी जी, तो मतलब आप सिर्फ स्प्रिंग वेल यूज करते हैं, इससे नीचे कोई फोम इस्तेमाल नहीं करते? जी जी जी, है ना। मतलब ब्रांड है स्प्रिंग वेल, एक जाना माना। बिल्कुल, अगर कोई कस्टमर कहता है कि इससे अपग्रेड करवानी है उनको क्वालिटी, तो आप स्लीप वेल फैदर फोम लगा सकते हैं। बिल्कुल, है ना। थोड़ा प्राइस का वेरिएशन तो होगा ऑब्वियसली, वो होता है। ये डिजाइन आप दिखा दिया जी, तो आपने दिखा दिया यूनिट, आपकी सोफा यूनिट यहाँ बनता है पूरा।
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर, पूरी यूनिट है जी। आप ऊपर चलता है बेड वाली यूनिट दिखा दो। ये हमारा बेड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर। अच्छा, ये आपका फर्स्ट फ्लोर आ गया जी जी जी। ये पीछे तक है पूरा जी जी। ये देखिए, ये बेड बन रहा है, ये टोटल प्लाई में है अभी। ठीक है, दिखे दिखे कौन दिखे दिखे। आप मतलब प्लाई लगाते हैं जी, जैसे कस्टमर की नीड है अभी। जैसे कस्टमर की नीड है सर, प्लाई बोर्ड कहता है प्लाई बोर्ड, कमर्शियल बोर्ड कहता है कमर्शियल बोर्ड, और प्लाईवुड कहेगा तो प्लाईवुड। 18 mm टोटल। अभी जो डिस्प्ले में नीचे बेड रखे हुए हैं, हाँ, उसमें क्या लगा रखे आपने? उसमें सर प्लाई कटिंग बोर्ड भी है और प्लाई बोर्ड भी है। अच्छा, प्लाई बोर्ड अलग अलग है। ठीक है, अब आप पूरा प्लाई मांगते हैं तो उसमें प्राइस डिफरेंस, हम जितना डिफरेंस आएगा सर, 3,000 से 4,000 रुपए का डिफरेंस आता तो हम उसे टोटली प्लाई में दे देते हैं, 19 mm प्लाई। ठीक है, तो अभी एक यहाँ बेड रखे पहले दिखा के, फिर डायरेक्ट में आपके डिस्प्ले पे चलते हैं। जी जी ठीक है, बताइए इस बेड के बारे में। ये बेड है सर, इसमें टोटल 19 mm टॉप में है, 19 mm बॉटम में है, टोटली प्लाई में बना हुआ है। अच्छा, ये पूरा प्लाई में वाला? पूरा प्लाई में बना, हर जगह इसमें प्लाई, आगे पीछे, आगे पीछे दाएं बाएं सारे में 18 mm प्लाई है इसमें। ठीक है, ये प्लाई से क्या कहते हैं, थोड़ी ना ड्यूरेबिलिटी आ जाती है। ड्यूरेबिलिटी तो प्लाई कटिंग में भी आती है, पर थोड़ा एक ना माइंड होता है ना, लाइफ स्ट्रॉन्ग हो जाती है सर। हाँ, थोड़ा और बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ जाती है। ठीक है, अभी हमारा विंग बेड हो गया, अपना पीछे तक रखे आपके। जी जी, ज्यादा नहीं दिखाएंगे हम, अब नीचे के ऑप्शन दिखाएंगे सारे। ओके ठीक है, नीचे चलते हैं। आइए, ये यूनिट होगी सर की, मतलब आपको ये मेरा मकसद है वीडियो में पहले दिखाना कि आपको पता लगे कि आप एक मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं अपना फर्नीचर, एक फैक्ट्री आउटलेट से ले रहे हैं। और इनहाउस काम है सर, ये भी कि बाहर जाना है कहीं, फैक्ट्री ऊपर है, बेड का ऊपर है और सोफे का नीचे है, नीचे बेसमेंट में। ठीक है सर, चले सर, अभी तो हमने आपको दिखाई फैक्ट्री, दोनों यूनिट दिखा दिए, सोफे का भी और उसका भी। अब ये है हमारा डिस्प्ले यूनिट। अच्छा, यहाँ देखिए बेड, सोफाज, डाइनिंग, ड्रेसिंग सब है। ठीक है, तो अभी हम मतलब वीडियो शुरुआत कर रहे हैं, हम बेड से शुरू करते हैं सर। ये हमारा पहला बेड है सर, ये 34,000 की कॉस्ट है इसकी। अच्छा, हाँ, टोटली सर 18 mm बोर्ड में बना हुआ है ये जी। पॉलिश कौन सी हो रखी है इसमें? ये प्यू व्हाइट है पॉलिश सर। अच्छा, प्यू व्हाइट है जी। ये मेरे ख्याल सेमी मैट लग रही है मेरे को जी, है ना जी जी। और विद साइड टेबल्स है ये जी। तो क्या प्राइस बताया आपने इसका? 34,000। 34,000 जी जी जी। या इसी पीस का बता रहे हैं जो फ्रेश पीस मिलेगा कस्टमर को? नहीं, फ्रेश पीस मिलेगा सर, उसका बता रहे हैं। अच्छा अच्छा जी जी। एक्चुअल कॉस्ट इसकी 34,000। और इसके साथ बहुत प्यारा, ये सर दूसरे नंबर का बेड है हमारा। आप इसकी पैनलिंग, ये फैब्रिक देखिए सर, नॉन शेडेड फैब्रिक है। ठीक है, विदाउट इम्प्रेशन। इसकी स्टिचिंग वर्क देखिए आप जी, एकदम सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम। ये पाइपिंग वर्क दे रखा है, ये पाइपिंग वर्क है। मैं ना पाइपिंग वर्क का बहुत दीवाना हूँ, बहुत फैन हूँ, मुझे अच्छा लगता है पाइपिंग वर्क। और बहुत कम स्टोर है जो, बहुत कम कारीगर है जो पाइपिंग वर्क करते हैं जी। ठीक है, अब ये हर तरह इसमें फैब्रिक लगा हुआ है। ये क्वालिटी की बात करते हैं, ये सर टोटली 19 mm प्लाई में बना हुआ है, ये 38,000 की पड़ेगा। अच्छा, अगर वही आपको जो जनरली क्वालिटी चलती है आपकी, प्लाई कटिंग बोर्ड प्लस प्लाई, तो कितना उसमें 4,000 का डिफरेंस आता है सर, 34,000 का। मतलब एक्चुअल आप कह रहे हैं कि अभी 34,000 का मिलेगा कस्टमर को जी, ये 34 का मिलेगा अगर हाँ अपग्रेड करवाते हैं क्वालिटी, तब आप इसको 38,000। अभी 34,000 का ये। ओके सर, इसी साथ में ब्लू वाला। ओके, ब्लू वाला, इसकी बैक थोड़ी लो है, अच्छा लग रहा है वाला। आइए सर, कलर भी थोड़ा अच्छा है जी। ये सर विदाउट साइड टेबल है। हाँ, ये विदाउट साइड टेबल है। अच्छा, वो जो पीछे दिखाए थे वो साइड टेबल से साथ थे प्राइस? जी 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 सर, 34,000 विद साइड टेबल से दोनों बेड। और ये विदाउट साइड टेबल? विदाउट साइड टेबल, ये 28,000 का पड़ेगा सर। 28,000 जी। तो कलर तो मेरे को पता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कलर जैसा मर्जी मिल जाएगा, कस्टमाइजेशन कुछ भी अवेलेबल है सर, कलर कुछ भी मिल जाएगा। ये भी नॉन शेडेड है, बाकी डिजाइंस मैं आपको दिखा दूंगा, जो आप डिजाइंस कहेंगे पैनलिंग में वो भी डिजाइंस चेंज हो जाएंगे। क्योंकि ना अभी डिस्प्ले में लिमिटेड पीस रखे हैं जी, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप उनको पूरी पीडीएफ शेयर करते हैं विद प्राइसेस। हाँ, हम उन्हें पिक्स सेंड कर देते हैं, शेयर करते हैं। अगर उनको आपके डिजाइन पसंद नहीं आते, अगर कोई वो अपना डिजाइन भेजता है तो बन जाता है? बिल्कुल सर, कस्टमाइजेशन कुछ भी अवेलेबल है, फैब्रिक में भी, डिजाइन में भी। हाँ, कोई भी डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी? जी 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 जी, पिंटरेस्ट के भी कोई भी डिजाइन, जैसा मर्जी डिजाइन हो जी जी। तो बहुत से स्टॉक होते हैं कि 1% नहीं बनता तो मना कर देते। एक्चुअली सर मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है ना, हमें बाहर से लेके नहीं बेचना। ठीक है, अगर आपसे शेयर करे किसी कस्टमर ने फोटो, तो प्राइस किस हिसाब से करता है? वेरी करेगा सर, वो डिफरेंस हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से जी, है ना। कस्टमाइजेशन कितना काम है उसके अंदर, कितना नहीं, सिमिलर डिजाइन होते तो यही प्राइस रहेगी। बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये देखिए सर, आजकल शादियों वादियों का सीजन चल रहा है तो उसमें बेड सबसे ज्यादा चलता है। साइड पे पीयू पॉलिश है ना जी जी। बताइए इस बेड के बारे में। ये बेड है सर, इसे हम गोल्डन सर्कल बेड कहते हैं, और सबसे ज्यादा ये शादी ब्याहों में सबसे ज्यादा चलने वाला बेड है। अच्छा, ऐसा क्यों? एक्चुअली सर बस पसंद है अपनी अपनी। अच्छा, आप जो रोज सेल कर रहे हैं, जो आजकल लेके जा रहे हैं, तो शादी के लिए ही लेके? हाँ, ज्यादातर ये शादी के लिए जा रहा है। वैसे इसमें हम डार्क ब्राउन कलर भी करते हैं, बाकी ये कलर ज्यादा चलता है। वो तो
चलो है कि जैसे कस्टमर के घर की थीम है, जैसा कलर कॉम्बिनेशन वो चाहते हैं वैसा हो जाए, सब उसके हिसाब से अकॉर्डिंग हो जाए। ये आपने अपने हिसाब से बना रखे? जी जी जी, प्यू ग्लोसी पड़ी हुई है इसके ऊपर। जी जी, ये विंग बेड हमारा एसएस का वर्क पीछे कर रखा है, और आप गोल्डन सर्कल बोलते हैं, गोल्डन सर्कल बेड कहते हैं। जी जी, तो ये गोल्डन सर्कल बेड विद साइड टेबल्स कितने का? 35,000 सर। 35,000 जी, और साइड टेबल्स पे भी सेम ये सर्कल बना हुआ है, 35,000 विद साइड टेबल्स। जी ठीक है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैंने काफी देखा मार्केट में। बताइए, ये बेड सर जाने माने ब्रांड का है, और 5 फीट इसकी हाइट है। जी, 6x6 का ये है, 70x72 के इसमें मैट्रेसेस साइज है। ठीक है, डार्क ब्राउन पॉलिश है, फुल कवर्ड है साइड से भी। जी अच्छा, ये देखिए फिनिशिंग देखिए सर, पॉलिश भी है ऊपर, ये पॉलिश भी है ऊपर, और नीचे फैब्रिक दिया गया। ठीक है जी, फैब्रिक तो जैसा मर्जी मिलता है, पॉलिश जैसे मर्जी मिलती है, क्वालिटी आपने बताया अपग्रेड कर देते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ऊपर प्लाई पर आप अंदर 19mm टॉप है, 19mm डीको पेंट करके देते हैं आप? हाँ जी हाँ जी। अभी डीको पेंट का क्या प्राइस है इसका? डीको पेंट में विद 35,000 सर, विद साइड टेबल। जी जी, अगर कोई कहता है मेरे को लैमिनेट ऐड करवाना है अपने बॉक्सेस में, सर लैमिनेट ऐड के हमारे कम से कम 6,000 से 7,000 रुपए का डिफरेंस आता है, एक्स्ट्रा लग जाएगा ना। जी जी, चलो ठीक है, बढ़िया, उसमें माइका पूरा होगा अंदर बाहर सारा में, A to Z। ठीक है, तो अब ये एक पीछे ये बेड रखा है। जी सर, आइए सर, ये बेड देखिए, इसका वर्क देखिए सर, बस ये काफी अच्छा लगा मुझे। जी, ये बड़े इसकी साइड टेबल देखिएगा, वो मैचिंग की बड़े टाइम बता है, ऐसा वर्क देखने को मिला है मेरे को बड़े टाइम बाद, इसके लेग्स खराब वाले। जी, राउंड कितने अच्छे लगे। ठीक है, बताइए इस बेड के बारे में। ये सर 44,500 रुपए का बेड है। अच्छा जी, 44,500 रुपए का बेड विद साइड टेबल्स। जी जी, ये पूरा प्लाई में है या वो मिक्स है हमारा? ये सर बोर्ड में है कंप्लीट, और उसके ऊपर MDF के ऊपर इसकी सीएनसी हुई भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लाई कटिंग बोर्ड लगा रखा है हर तरफ, और सिर्फ ऊपर नीचे प्लाई लगा रखा है, और बाहर MDF लगा रखा है सीएनसी करके। जी जी, ताकि ये लुक आए और पॉलिश हो सके इस पे, ये डिजाइन के लिए सर। अब पॉलिश के लिए सर MDF ऊपर लगाना जरूरी है। हाँ, वो तो पता है, कंपलसरी होता है, तभी फिनिशिंग आती है। अब इसकी ये देखिए फिनिशिंग देखिए। अब आपने बताया आप सोफे पर अपना स्प्रिंग वेल लगाते हैं, बेड पे क्या लगाते हैं? बेड में भी सर हम स्प्रिंग वेल यूज करते हैं, वो देखिए अब सारा हमारा स्प्रिंग वेल का ही माल होता है। अच्छा, स्टॉक में पूरा रखा हुआ, देखिए स्प्रिंग वेल के बोरे ही वो रखे हुए यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अलावा आप कोई और अदर ब्रांड यूज नहीं करते? नहीं सर, ये 44,000 बताया विद साइड टेबल आपने, 44,500। जी, अगर इस डिजाइन में ये डिजाइन ये ना होता, सिर्फ पूरा फैब्रिक होता हर तरफ, पॉलिश वाला और सीएनसी वर्क ना होता, वो सर सीएनसी वर्क होता तो उसका लेस हो जाएगा डिफरेंस। नहीं, सीएनसी वर्क ना होता, पॉलिश ना होता, हर तरह सिर्फ फैब्रिक होता, तो नियर अबाउट लगभग सर 4,000 to 5,000 आपके लेस हो जाएंगे, लेस हो जाते हैं। तो लगभग आप कह रहे हैं कि 38,500 के करीब बैठेगा ये आप। ठीक है, क्योंकि इसका जो बैग है ना जी, इस पे जो फोमिंग भी काफी हेवी, फोमिंग देखिए सर 3 इंची फोमिंग है इसमें। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब आप ये देखिए, आपको पिलो भी मिलेगा तो स्प्रिंग वेल मिलेगी, मेरे ख्याल से आप मैक्सिमम स्प्रिंग वेल ही यूज करते हैं। जी हाँ, सारा सर स्प्रिंग वेल का यूज करते हैं, और ये मैट्रेस भी इस्तेमाल करते हैं, मैट्रेसेस है स्लीप क्लाउड कंपनी के। तो स्टार्टिंग क्या होता है मैट्रेस का? नियर अबाउट सर 12,000 से स्टार्टिंग है। अच्छा, 12,000 से आपका पेयर स्टार्ट होता है? पेयर स्टार्ट होता है। बेड की क्या वारंटी रहती है आपकी? हाँ जी सर, बेड की 5 साल की वारंटी, 5 ईयर वारंटी सर। बात करते हैं सोफे की, आप सोफे की बात करते हैं, देखिए सर आइए। जी बताइए। ये देखिए सर, क्वालिटी के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी हम मरंडी वुड यूज करते हैं स्ट्रक्चर में, स्लीव स्प्रिंग वेल की फॉर्म यूज करते हैं सीटिंग में, और ये फैब्रिक है 200 से लेकर 350 रुपये तक का मीटर का हम फैब्रिक यूज करते हैं इसमें। ठीक है, बाकी जो अगर कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हम फैब्रिक दूसरा भी लगा देते हैं, लेकिन उसका डिफरेंस ऐड हो जाता है। ठीक है ठीक है, अभी कितने मीटर फैब्रिक बताया आपने? लगभग 200 से 350 रुपए मीटर, 200 से 350 रुपए मीटर लगाते हैं। अगर आप फैब्रिक भी अपग्रेड करवाना चाहते हो, कुछ महंगे वाला लेना चाहते हो, जो डिफरेंस होगा उसका वो लग जाएगा सर, उसका जो एक्स्ट्रा है वो आपको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। जी बताइए सोफे के बारे में, एल शेप सोफा? ये सर एल शेप सोफा ही हमारा 6 सीटर है, और 9x7 है ये। ठीक है जी,5 इंच के लगे हुए। ये एल शेप सोफा। जी जी सही है, 5,500 सीट से भी कम सोफे का है प्राइस का है ये सोफा। अब इसके साथ ये बहुत प्यारा रखा है सोफा। ये सर हाँ, ये हमारा 5 सीटर सोफा है सर, टू पफीज है हमारी, ये कॉम्बो है 2 पफीज और 1 5 सीटर सोफा। कितने का ये? 35,000 सर। 35,000 जी, और ये लेदराइट सॉइड है सर फैब्रिक, और इसमें पॉलीफिल लगा हुआ है कुशंस में,
और बैक में भी पॉलीफिल है। अच्छा, पॉलीफिल है जी, ये कंफर्ट के लिए, और इसमें सीटिंग में भी हमने सॉफ्टी फॉर्म यूज करी है। अच्छा अच्छा, सॉफ्टनेस के लिए। जी जी, जैसे कंफर्ट बैक पर है वैसे सीट पर, वैसे सीट पर। हाँ, ये डिजाइन तभी अच्छा लगता है जो बैक पर जैसे कंफर्ट रहेगा ना वैसे सीट पर, वैसे सीट पर अच्छा लगता है। और इसमें एक हमने वुडन में सागवान का थीपा दिया है सर। अच्छा, ये देखिए बाजू में, ये रहा आ गया जी। हाँ, ये रहा, ये आगे, ठीक है, ये ठीक है। और ये एक्सटेंडेड टेबल की बात कर लेते हैं, सामने आ गई तो सर, ये एक्चुअली शीशम की है सेंटर टेबल। ये फोर डाइनिंग स्टूल्स के पफीज के साथ हैं जी। ये वाला अच्छा है, ये स्पेस सेविंग फर्नीचर कहते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा है ये जी। ये कितने का वैसे? ये सर 14,000। ये 3x3 का हमारा जी, ठीक है। ग्रेस देखिए शीशम के, जबरदस्त। और शीशम ऐसी बोर्ड है कि आपकी जिंदगी भर चलेगी, कभी खराब नहीं होगी। बिल्कुल सर, ठीक है। अब बताइए, अब आइए सर, ये है, ये एक ऑर्डर का सोफा बना हुआ है। एक्चुअली हमारे पास स्पेस की शॉर्टेज है। हाँ, समझ गया, समझ गया। ये देखिए सर जी, ये सोफा है हमारा ब्लू कलर में, बहुत सुंदर। ये देखिए पाइपिंग वर्क करा है, क्या बात है जी। डिजाइन देखिए, 4 इंची के स्टार वो लगे हुए हैं इसमें, गोल्डन लेग लगे हमारे। और यही सेम हमने कुशन पे काम दिया है। अच्छा अच्छा, वही गोल्डन टच आपने कुशन पर भी दे दिया, और कंट्रास्ट में फैब्रिक दिया जी जी, ब्लू से हटकर। और आपका जो ये वर्क बड़ा अच्छा लगा मेरे को, जो इसके बॉर्डर पर करा हुआ है ये वाला। जी सर, ये 3+1+1 है सर, नॉन शेडेड फैब्रिक है इसमें। और इसके पीछे भी काम हो रखा है जी सर, मतलब जो चेयर पे काम है, थीपा, थीपा बनाया गया। वैसे ही हमारा 3 सीटर पे भी रहेगा काम जी जी, ठीक है। तो ये डिजाइन का भी क्या प्राइस है? ये 40,000 सर। ये 40,000 का हमारा वाला, ठीक है। ये थोड़ा कलर हमारा जो एक्चुअल में थोड़ा डार्क टोन में है जी सर, ठीक है। और हमें थोड़ा ब्राइट लग रहा है फोन जी, ठीक है। फैब्रिक देखिए सर, बहुत अच्छा फैब्रिक है। हाँ, ये काफी अच्छा फैब्रिक, कुछ अलग वाला है, ये नॉन शेडेड है, पर ये कुछ ग्लिटर कर रहा है, चमक रहा है फैब्रिक। क्या कहते हैं इस फैब्रिक? ये अमेज़न का फैब्रिक है सर, फैंडी जी। किसका फैब्रिक है? अमेज़न कंपनी का। अच्छा, अमेज़न कंपनी का जी, चमक रहा है, शाइनी फैब्रिक है जी। इसके पीछे बड़ा मेरे को प्यारा लग रहा है, येलो ब्लू वाला, कुछ डिफरेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए सर, ये हमारा नेक्स्ट मॉडल है, इसे हम गोला बाजू बोलते हैं सर। मजेदार, मजा। ये सारे सागवान के गोला है ये जी, ये सागवान के थीपे हैं सर। हाँ, सारे प्योर सागवान जी जी जी, ठीक है। ये प्योर सागवान के थीपे हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर, अंदर जो स्ट्रक्चर है वो मरंडी का है। हाँ, और ये मॉलफिनो फैब्रिक है सर। मॉलफिनो फैब्रिक कुछ अलग है जी, ये फैब्रिक ना पहले बहुत चलता था ये सर। एक्चुअली सोफे के लिए जो बना फैब्रिक वो मॉलफिनो फैब्रिक है, ये एक्चुअल में ये पहले बहुत चलता था। अब आजकल ना जब से स्वेड वेड आया ना, वेलवेट स्वेड, नॉन शेड, हर कोई वहां पक रहा, नहीं तो ये इतना प्यारा फैब्रिक लगता ना मेरे को। और ये सर 3+2। हाँ, बताइए। ये 3+2 है सर, और इसमें 3-2-2 भी होता है, 3+2, 3-1-1 आप बनवा सकते हैं, ठीक है, बन जाएगा। इसकी एल शेप भी बनवा सकते हैं। अच्छा, इसका एल शेप भी बना सकते जी जी जी। इसमें कुशन वर्क बहुत प्यारा लगा, मजा आ गया। ये देखिए सर, ये ना मॉडर्न लुक कैसे है। ये भी पॉली फाइबर में है सर, इसके सारे कुशन पॉलीफिल में। ये मॉडर्न आजकल बहुत चलता है। आजकल क्या होता है कि लोगों के पास एक्स्ट्रा स्पेस होती है ना, कॉर्नर होता है कहीं भी, वो क्या करते हैं सीट पर भी ऐसे ही कुशन रखवा देते हैं बड़े बड़े, और बैक पर भी ऐसे रखते हैं जी सर। और इसे हम ना पता क्या बोलेंगे, इसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न का इसका मिक्सचर बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्रांजिशनल सोफा। ओके सर, क्योंकि हमारा फैब्रिक वो आगे पुराना हमारा आ गया जी सर, सागवान पुराना आ गया, पर एक लोग मॉडर्न दे दी। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है सर, सबसे ज्यादा ये इसी कलर कॉम्बिनेशन में बिकता है सर। बहुत अच्छा, मेरे को पसंद आ गया सोफा, मजेदार। ये गोला बाजू है सर। तो कितने का? 3+2 सर, ये 45,000 का है, 9,000 पर सीट बैठता सर। ये बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरे को बड़ा अच्छा लगे सोफा। 9,000 पर सीट सर जी। आइए सर, एक दिखाता हूँ मैं, ये बेड के साथ साथ कस्टमर ने 3 सीटर बनाया, रूम में स्पेस था उनके, तो ये 3 सीटर बनवाया उन्होंने। ये देखिए सर, ठीक है, लोटस फ्लोरल शेप जी सर, बिल्कुल। ये उनके पास रूम में जगह थी तो तभी उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने बनवाया, नहीं तो बेड के आगे जैसे काउच रखवा सकते हैं आप, पफीज रखवा सकते हैं, ठीक है। ये बेडरूम के लिए बनवाया गया, ये भी 2 सीटर रखवा सकते हैं आगे जी जी जी, ठीक है जी सर। तो अब क्या दिखा रहे इसके बाद? आइए सर, मैं आपको एक सागवान का सोफा दिखाता हूँ, सागवान की एल है, स्प्रिंगल रखा हुआ पूरा, स्प्रिंगल पीछे तक, स्प्रिंगल के बोरे ही बोरे हैं ठीक। अरे वाह, मजा आ गया। आइए सर, बहुत सुंदर। ये देखिए सर, ये हमारा सागवान का बहुत एल शेप, ये किसी का ऑर्डर का बना है सर, ठीक है जी। बताइए, देखिए सर, सागवान की पहचान, उसके रेशे, उसके ग्रेस, और आपने बहुत अच्छा एक पीला टच दे रखा है, पीला टोन दे रखा है, येलो टोन। ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट से है सर। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ये 6 सीटर है सर। बताइए बताइए, सागवान का, ठीक है। ये 48,000 का सर। अच्छा, ये 48,000 एल शेप है, एल शेप ओनली, एल शेप 48,000, और पूरे फ्रेमिंग सिर्फ सागवान की हो रही है, आगे पीछे हर तरफ A to Z।
इसके नीचे भी इसकी सागवान की है क्या? सर नीचे जो बीच में सेंटर सपोर्ट होती है वो तो मरंडी की होती है, बाकी सब सागवान है। अच्छा अच्छा, सेंटर सपोर्ट से मरंडी और पूरा सागवान है पीछे भी। ये देखिए सर, इसके पीछे भी सागवान है। क्वेश्चन लगाएगा ये? हाँ ये देखिए, पीछे भी पूरा सागवान का काम हो रखा है। ठीक है, तो ये चेयर इसके साथ किया अलग है? नहीं सर, ये चेयर तो अलग है, मैं अभी एक सेट दिखाऊंगा आपको, ये उसके साथ की है। वन वन, ठीक है, ये प्योर सागवान 48,000 का। जी सर। अच्छा, आप जो प्राइसेस बता रहे हैं। जी सर। तो हमारी वीडियो के लिए क्या निगोशिएबल रहते हैं? सर आप जब वो आएंगे, आपके वीडियो लेके आएंगे, वो रेफरेंसेस देंगे कि एनएल फर्निशिंग के तरफ से आए, तो उन्हें 100% कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा एक आइडिया? लगभग 5-10% डिस्काउंट मैं आपको दूंगा। ठीक है, मतलब लगभग 5-10% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा जो ये प्राइसेस बता रहे हैं। और 10% बहुत ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, नहीं तो कोई स्टोर इतना नहीं देता जो आप दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला आप कह रहे हैं, इस चेयर की पहले बात करें वहाँ चल के बात करें जो आप कह रहे हैं। आइए आइए, मैं दिखाता हूँ इसका, वहाँ चल के दिखाता हूँ। ठीक है, अभी कितने डिज़ाइन रखे हम, सबकी बात नहीं करें, सबकी बात नहीं करेंगे हम, चलते हैं वही मॉडर्न डिज़ाइन पर हमारे। ये आ जाइए सर। अच्छा, बहुत सुंदर। ये है सर उसका 322, वो सिंगल सीटर भी इसी का सेट है। ठीक है ठीक है, ये ऑन ऑर्डर बना है सर। हाँ, ये ऑन ऑर्डर बना है जी। अच्छा, वो सिंगल थी जी, ये टू सीटर आ गया जी, 322 और 111। बहुत अच्छा डिजाइन है, बहुत अच्छा जी सर। कॉम्पैक्ट है, इसके आम काफी छोटे कर दिए जी जी जी, क्योंकि लोगों के पास स्पेस नहीं होती कि इतने जैसे मोटे मोटे आम रखे, अब इनके पास काफी स्पेस होगी तभी उन्होंने इतने मोटे मोटे आम करवाए, और इनका स्पेस नहीं होगी क्या पता, या उनको ये डिजाइन पसंद आया होगा इसलिए बनवाया होगा, बताइए इसके बारे में। ये देखिए सर, इसकी स्टिचिंग देखिए, बर्फी बर्फी सिलाई कहते हैं हमारी लैंग्वेज में इसको। इसके साथ ये पफीज है, राउंड पफी लेग्स, इसके मॉडर्न है थोड़ा अलग है। बिल्कुल सर, डिफरेंट है ये गोल्डन में, नहीं तो अब तक हमने एल देखे हैं जो लेग आते हैं, जो स्टार आपने दिखाए थे जी जी जी, और जिसमें एल शेप थोड़ी होती है, अब ये एकदम स्ट्रेट है और राउंड है। राउंड है, नहीं तो आते कुल्फी आते हैं वो टेपर होते हैं, पर एकदम स्ट्रेट है, एकदम अच्छे है वाले। तो ये सेट अभी कितने दे रहे हैं आप? ये सर 8,000 पर सीट है सर। 8,000 पर सीट जी सर। सर ने जैसे कि बताया कि आपको 5-10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा इन प्राइजेस पर, बहुत बड़ी बात होती है मेरी तरफ से। तो ये फैब्रिक कितने वाला है, ये वाला जो बैक पर लगा हुआ है? ये सर 350 रुपये फैब्रिक है, नॉन शेडेड है। अच्छा, ये हमें 350 का मिल रहा है सर, आगे मार्केट में ये 550-500 रुपीस पर रेंज का है। और जो ये हमारा ये ब्लैक एंड व्हाइट फैब्रिक, ये सर 800 रुपीस पर मीटर है। 800 पर मीटर फैब्रिक, और आप कस्टमर को 8,000 के अंदर ये फैब्रिक दोगे? जी सर। बहुत बढ़िया, अगर वो फैब्रिक कम करा तो शायद प्राइस कम हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है ये, एक जेन्युइन बात मेरे को आपकी लगी कि आप कह रहे हैं कि फैब्रिक थोड़ा कम करें तो प्राइस कम हो जाएगा। बहुत अच्छा मॉडर्न डिजाइन है। अब इसकी बात ही कर लेते हैं, हमने बताया मोटे आम वाले, आइए बताइए इसके बारे में। ये सर पॉलिस्टर पॉलिश में थिपे हैं इसके। हाँ हाँ, इसकी स्टिचिंग देखिए, स्टिचिंग एकदम मस्त डीप, दो इंची में कहते हैं, डेढ़ इंची में जी जी, और सेंटर पे आप ये बर्फी बर्फी आ गई जी सर। एक क्वेश्चन है, इसका डिजाइन दिखाइए क्या लग रहा है इसको, बहुत अच्छा। तो ये कितने का दे रहे हैं अभी आप? ये सर हम 9,000 रुपीज पर सीट दे रहे हैं। 9,000 पर सीट जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और स्पेस, और वो भी जो भी आपके वीडियो के रेफरेंस से आएगा उसे 5-10% तो मिलने मिलने, आपने एक बार बता दिया वो काफी है। बिल्कुल सर। स्प्रिंगवेल इसमें भी लगा है जी सर, सीटिंग में स्प्रिंगवेल है। फेदर अपग्रेड करवाते हैं, फेदर तो कितना पड़ता है सर? जितना भी डिफरेंस आएगा, जो भी नॉर्मल चार्जेस होगा वो लिया जाएगा, उससे गति का जो बढ़ेगा। हाँ जी हाँ जी, मेरे ख्याल से एक गति में 100-150 पड़ता है, लगभग 275 रुपए का डिफरेंस एक गति पे। गति पे कह रहा हूँ, बैक पे नहीं, गति नहीं, बैक पे अलग होगा जी सर, इसलिए मैं चाहता हूँ क्लियर करूँ। बहुत अच्छा डिजाइन है, इतना सिंपल सोवर मजेदार डिजाइन है, बताइए इसके बारे में। ये देखिए सर, ये एल शेप है हमारा विद टेबल पफी कॉम्बो है। ठीक है, देखिए सर थिप्पा है ये। हाँ, ये MDF का थिप्पा है। ठीक है, और ये स्टिचिंग हुई है जी जी, बहुत अच्छी प्लीट हो गया एकदम जी सर। और ये इसका कॉर्नर भी एक वो है प्रैक्टिकल एल शेप जी, बिल्कुल तो ये यूज होगा सर। हाँ यूज, नहीं तो पहले जो एल शेप होती है जो दो पीस में होता है वो सिटिंग यूज नहीं हो पाती। हाँ, इसमें बैठ सकते हैं, बैठ के दिखाइए, बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि कॉर्नर आपका वेस्ट नहीं जाएगा, पूरा यूज होता है सर। ये तो एल शेप जो होता है उसमें हमेशा कॉर्नर हमारा वेस्ट जाता है, उससे बंदा सिर्फ लेट ही सकता है जी जी, जी। ना लेट सकता है, बैठ नहीं सकता, इससे बैठ सकता है आराम से। ठीक है, तो अभी ये वाला डिजाइन कितना दे रहे आप? ये 7,000 पर सीट है सर। 7,000 पर सीट जी, 48,000 का कॉम्बो बैठेगा सर। अच्छा, 40 विद टेबल पफी, विद टेबल पफी। हाँ जी, अगर कोई कहता है मेरे को सेम डिजाइन एल शेप नहीं चाहिए, 322 चाहिए, हाँ तो बन जाएगा, कोई क्या डिफरेंस आता है वो सर? 8,000 पर सीट आएगा। 8,000 पर सीट जी, ठीक, क्योंकि 322 में सर बाजू का काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तभी कॉस्ट बढ़ जाती है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को जी सर। कंसोल इसे सर हम कैंची वाला बोलते हैं। कैंची जी, कैंची इसके हेड एडजस्टेबल है। अच्छा जी सर,
जहाँ आपको मतलब कंफर्ट चाहिए वहाँ पर। क्या बात है, बढ़िया, मजा आ गया, बहुत अच्छा। और इसमें हमने ये कप होल्डर्स दिया है सर, ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, और ये दो कप होल्डर्स दिए हैं विद टेबल पफी। 56,000 का सेट है सर, 56,000 रुपए का सेट हो गया जी सर। और बारह बता दो, सब पे स्प्रिंग वेल लगा है, ये 8 सीटर बैठेगा सर, 8 सीटर जी सर। और अगर कोई कहता है कि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मेरे को 8 सीटर नहीं चाहिए, मेरे को 6 चाहिए 5 सीटर, तो किस हिसाब से बढ़ेगा वो सर? उसी के हिसाब से 8,000 पर सीट के हिसाब से हो जाएगा जी। तो पर सीट हम इसलिए बताते हैं कि आपके घर में जितनी भी जगह है आपके पास, उतने सीट आपका सोफा बन जाएगा, और पर सीट जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका टोटल। बिल्कुल सर, वो कैलकुलेशन करके सीटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास देख रहा हूँ, ये टेबल्स देख रहा हूँ आपके, ये स्विंग देख रहा हूँ, झूले देख रहा हूँ, आउटडोर फर्नीचर भी देखा मैं जी सर। इन सब में भी डील करते हैं आप? हाँ सर, इसमें डील करते हैं, लेकिन ये सब बाहर का है हमारे अपनी मैन्युफैक्चरिंग का, तो सोफाज, बेड और डाइनिंग ड्रेसिंग मिलेगी आपको। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा आपने। देखिए बेडरूम चेयर देखिए सर, बड़े अच्छी ऑनेस्टी से बोला आपने कि बाहर से ट्रेडिंग करते हैं, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग उसी बात करेंगे, बताइए इसके बारे में। ये देखिए सर, बेडरूम चेयर है, इसमें बहुत कलर्स हैं, बहुत रेंज, कोई भी आप डिजाइन देंगे उसमें कस्टमाइजेशन हो जाएगा। हाँ जी, ये फैब्रिक कौन सा जो सीट पे लगा है? ये नॉन शेडेड है सर, सीट पे, सीट पे वो है। कौन सा ये? वेलवेट है, बहुत अच्छा लग रहा है फैब्रिक। कितना मीटर है सीट पर ये? लगभग सर 800 रुपीज पर मीटर है। अच्छा, 800 मीटर है, और ये 350 रुपये, ये 350। तो चेयर कितने की अभी? ये चेयर 9,500 रुपये की सर, 9,500 रुपये की, और इस पर भी डिस्काउंट मिलेगा आपको तो कम हो जाएगी। तो मार्केट में इसका 10,000 से कम 12,000 रुपये, 10,000 रुपये सर, तो 10,000 तो मैंने देखा, कम से कम देखा 12,000 हो सकता है शायद, आपकी नॉलेज में ज़्यादा, क्योंकि आप सप्लाई देते हैं। 10,000 मैंने देखा है, तो बताइए। और आइए सर, मैं डाइनिंग टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, सामने वाला डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है बेड का, ये डिज़ाइन तो बहुत है। अगर आप सर से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप पूरी PDF शेयर करी जाएगी विद प्राइजेस। ये फिर आ गया हमारा, ये सागवान है, ये देखिए सर, ये सागवान में है। हाँ। ये टॉप में भी सागवान है टोटल। हाँ, दिख गया क्योंकि सागवान और जो हमारी शीशम होती है, सारे प्लैंक है। हाँ बिल्कुल सर, ये सागवान है, सारे प्लैंक में है। अच्छा, ये लोग बाग ऊपर बोर्ड लगाते हैं ना सर, ये बोर्ड नहीं है, टोटली सागवान है। ठीक है, जोड़ दिखा रहे हैं कि ये प्लैंक लगे हुए हैं जोड़। जी, लोग पता है क्या स्कैम करते हैं, वो वीनियर लगा देते हैं, वीनियर लगा देते हैं, बोलते हैं कि सागवान की टेबल है। और ये सागवान की सर चेयर है इसकी। ठीक है, ये 4 चेयर का डाइनिंग सेट है सर। ये रेशे बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, एक मॉडर्न होता है ना, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट भी है ना तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल सर, घर के लिए तो है ही, एक कॉम्पैक्ट है हमारा, छोटी जगह तो छोटा डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। तो ये कितने का फिलहाल? 32,000 ओनली सर, 32,000 में डाइनिंग टेबल का पूरा, 4 चेयर का, 4 चेयर के साथ। जी सर, ठीक है, बहुत अच्छा, 32,000 में आपको एक सागवान का डाइनिंग टेबल मिल रहा है, वो कॉम्पैक्ट साइज में, और ये पूरा प्योर सागवान है। ये प्लैंक है कोई? ये देखिए बार बार दिखा रहा हूँ कि ये जोड़ इसके, ये प्लैंक है, ये कोई वीनियर नहीं है। तो मार्केट में बहुत स्कैम करते हैं, ऊपर वीनियर लगाते हैं, फिर कहते हैं कि सागवान है हमारा। अब एक शीशम भी दिखाई देते हैं, ये देखिए सर, अब देखिए फ़र्क, देखिए शीशम में और सागवान में, वो पीलापन, ये लालपन, ये इसका वो है। ये सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, इसी में आपने ऊपर दिखाते, ऊपर हमारी चेयर भी बनी हुई है, सागवान में है ऊपर चेयर। अच्छा अच्छा, वहाँ से पीछे जी बेड के पीछे रखी थी। हाँ। जी जी जी, ये सागवान, ये उसमें है, शीशम में है सर। जी सर, एक शीशम एक सागवान, जिंदगी भर चलने वाली है। जी सर, आपके बच्चे टीन से सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, पर आपका ये फर्नीचर खराब नहीं होगा, नहीं होगा, बार बार कहता हूँ। बिल्कुल सर, ये कितने का? 6 सीटर, ये सर 42,000, 42,000 रुपये। जी सर, ठीक है। अब जब डिलीवरी की बात आती है जी सर, तो आप कैसे करते हैं सर डिलीवरी हमारा? देखिए ये जो जितना भी प्राइस है सर, GST एक्स्ट्रा है, कार्टेज एक्स्ट्रा है, और जो भी मतलब डिलीवरी की बात आती है सर, हम पैकर्स या मूवर से करते हैं, वो जो भी नॉर्मल चार्जेस लेते हैं वो है, और बाकी दिल्ली NCR में तो हमारे ऑटोज वाले और रिक्शे वाले छोड़ते हैं। अच्छा, दिल्ली NCR में तो जो लोकल आपके होते हैं, जो जिनसे आप डिलीवर करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले उनसे करते हैं? बिल्कुल, आउट ऑफ दिल्ली रहता है तो 18% आपका GST रहता है, GST रहता है, पैकेजिंग अलग रहती है, और कार्टेज अलग रहती है। ठीक है, जो भी आपका मूवर पैकेट्स वाले जो भी लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले, तो वही आप नॉमिनल चार्ज बताते हैं? बिल्कुल सर। ठीक है, और डिलीवरी हमारे ऑल ओवर इंडिया है या खाली कुछ लिमिटेड? नहीं सर, डिलीवरी तो ऑल ओवर इंडिया दे देंगे, कोई दिक्कत भारत नहीं, किसी भी कोने में हो। जी सर, क्योंकि मेरे को ऐसे बड़े आए हैं कि अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स को हम यूज करेंगे सर, और उन्हें यूज, मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि ना हम हर जगह डिलीवरी दे देंगे, जब डिलीवरी की बात आती है ना, उस साफ जब कस्टमर से कॉन्टैक्ट करते हो मना कर देते हैं, तो आपका ऐसा कुछ है क्या कि कुछ ही जगह में देंगे? नहीं सर, जगह तो हम सारे में दे देंगे, जो भी फेयर होगा वो कस्टमर को पे करना पड़ेगा उसका, जो भी कार्टेज होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जितना भी होगा, जैसे अग्रवाल और पैकर्स मूवर्स को यूज करते हैं, जो उनका बैग बनेगा वो सिर्फ कस्टमर को पे करना पड़ेगा। अब जल्दी से ना, अभी एक सोफा में को ये दिख रहा है, ये वाला ग्रीन वाला, इसका भी प्राइस बता दीजिए। जी, ये वाला, ये सर 48,000 का, ये 48,000 काफी अच्छा लग रहा है। अभी एक कस्टमर आगे बैठे थे ऊपर फैक्ट्री गए, तो वो अपना हेलमेट जैकेट रख के। जी 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 सर, ठीक है,
तो सब कुछ दिखा दिया जी सर, जितना डिस्प्ले में था हमने दिखा दिया है ना, सब कुछ नहीं दिखाया मेरे ख्याल से, डिस्प्ले में बहुत कुछ रह गया, सब कुछ भी नहीं दिखाया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा दिया। एक्चुअली सर सब कुछ दिखा भी नहीं सकते, इतना लंबी वीडियो जाएगी बहुत ज्यादा। हाँ तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसलिए दिखाई ताकि आपको पता लगे कि एक फैक्ट्री आउटलेट से आपको फर्नीचर मिलेगा, क्वालिटी वाला मिलेगा। मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि किसी भी फैक्ट्री में आपने भी वीडियोस देखते तो इतने बोरे नहीं दिखेंगे स्प्रिंग वेल के या टर्बो के, या सिर्फ बोरे ही बोरे रखे हुए सारे। और सर ये सारा कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, कुछ भी हो, कुछ फैब्रिक के लिए हो, डिजाइन के लिए हो, आप पिंटरेस्ट का डिजाइन लाइए, कुछ भी डिजाइन लाइए, वो सब बना के देंगे। ठीक है, तो अगर आप एक फैक्ट्री आउटलेट से फर्नीचर लेना चाहते हो और एक जेन्युइन जैसे पीछे में बार बार फोम रखी हुई है पूरी स्प्रिंग वेल लेना चाहते हो तो ये स्टोर आपके लिए बेस्ट है। जैसा मर्जी कस्टमाइजेशन बोलेंगे वैसा हो जाएगा, और जहाँ मर्जी मांगेंगे वहाँ मिल जाएगा आपको, है ना। तो धन्यवाद सर, मुझे आपने अलाउ करा कि मैं आपका इतना अच्छा स्टोर हमारी जनता को दिखा सकूँ, धन्यवाद आपका। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। तो अब आपके घर आएगा फर्नीचर, वो भी डायरेक्ट फैक्ट्री से, और साथ में आएगा एनएल फर्नीचर्स का सब्सक्राइब बटन, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।